हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जिसे सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, अब स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहा है। लेकिन शहर की सुंदरता हर रोज बिगड़ती ही जा रही है। जगह जगह खड्डे, मक्खी मच्छर और मवेशियों का गोबर। ज्ञात रहे, मवेशी गाय पालने वालों के लिए धनास में एक अलग से एरिया बना दिया गया था, लेकिन अब भी शहर के कुछ हिस्सों में लोग दुधारू जानवर गाय भैंस पालते हैं, जिससे गंदगी होती है, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि फैलता है। ऐसा ही एक केस स्वाइन फ्लू भी चंडीगढ़ में पहचान हुई है, लेकिन डॉक्टर ने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। रामदरबार, जो कि नगर निगम के वार्ड नंबर 19 में पड़ता है, यहाँ के कुछ निवासियों ने भी गाय भैंस पाल रखी है। हालांकि नगर निगम भी समय समय पर कार्रवाई करता रहता है। जैसे हाल ही में निगम ने कुछ जानवर जो कि वार्ड नंबर 19 की गलियों में घूम रहे थे, उन्हें कब्जे में लेकर कांजी हाउस पहुंचाया। रामदरबार में ऐसी और भी बहुत सी समस्याएं हैं। आइए मिलते हैं वार्ड के निवासियों से, जानते हैं उनकी परेशानियों को। सर, हमारे यहाँ पाला समस्या तो पानी का है। यहाँ पानी का कोई निकास नहीं है। ये एयरपोर्ट वाले आर्मी वाले पानी रोक दिए हैं। हमारे घरों में इतने इतने पानी जमा हो जाता है। यहाँ जो पार्षद हैं, यहाँ की पार्षद के यहाँ भी जा करके हम लोग मिल लिए हैं। घर में बैठी रहेंगी, बाहर कह देंगे कि बोल दो कि कोई नहीं है। तो इधर कोई देख रेख नहीं है, किसी की भी निगाह नहीं है। हम लोग तो यहाँ से मच्छर से, मक्खियों से, कि ये देखिए ये डेंगू के बीमारी होने से, सारे से खतरे ही खतरे हैं। बाकी इधर कोई किसी की भी निगाह नहीं है कि राम दरबार के 1550 से लेकर के 1700 मकान सारे ये पानी में डूबने वाले हैं। जब भी बरसात हो जाए फिर से पानी में ही डूबेंगे। इसमें रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ कोई दिक्कत आपको? बहुत दिक्कत है जी, पानी का एक तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। इधर अलग ही नेहा कर कई बार नाले नूले बंद है, बोला खुलवा दिया कहीं तो पानी पाना, अंदर पानी इतना इतना घुस जाता है। पानी की जो स्ट्रॉन्ग वाटर है, जो बरसात के वक्त पानी आता है, उसकी दिक्कत है या पीने के पानी की समस्या है? हाँ, दोनों। अब यहाँ से अगर पानी सीधे अगर रोक देते हैं ना, सीधे उसमें जाएगा तो गंदा पानी ट्यूबवेल में घुस जाता है। गंदा पानी में पानी जाएगा सामने सप्लाई। अच्छा, ट्यूबवेल में जाएगा? ट्यूबवेल में जाता है तो वही पानी नलों में आ जाता है। निकासी का खतरा है पानी तो यहाँ से कुछ निकासी की कोई व्यवस्था नहीं? कोई नहीं, उधर डिफेंस वाले वो नहीं जाने देते, दीवार बना, उन्होंने दीवार बना रखी है, वो जाने नहीं देते। उन्होंने पीछे कंप्लेन भी कर दिया था थाने में, साढ़े राम दरबार च पिछले दो महीने तो ज्यादा हो गया। हर रोज कट लगते ने, एक एक घंटे से दो या तीन कट लगते ने। बिजली वाले नाल गल की गई है तो वह कहें साढ़े इतने कोई 66 KV का ट्रांसफार्मर सड़िया हुआ है। आपकी बात किससे हुई जी? बिजली डिपार्टमेंट के जो बंदे ने ठीक करने आते हैं। होर गल जिदा असं कंप्लेन करते हैं उत्थे कि लाइट चली गई, कारण की है, लोग कहते हैं कि 66 KV का ट्रांसफार्मर इतने सड़िया हुआ है। 366 KV के ट्रांसफार्मर दसते हैं कि अगर ये बिजली असी एक घंटा कट नहीं लाते तो साढ़े दूसरे ट्रांसफार्मर भी सड़ सकते हैं। जबकि इन्हों ठीक करने की जरूरत सी, एक कलोनी का होने करके कलोनी के लोगों से बर्डन पाया जा रहा। अगर कोई बंदा अपना बिजली का बिल अगर लेट कर देता है किसी कारणवश, नहीं होंगे गरीबी च कई बार पैसे, तो वह मीटर कट्टन लिए बिजली वाले आ जाते हैं।